नाइन नाइन का माइलेज भाई सब कितना कम माइलेज दे रहा है ये इस टाइम। वो देखो भाई कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, लड़की नीचे बैठी हुई है और बहुत सारा खून भी बह रखा है, देख रहे हो। अब 111 किलोमीटर में ना इसने कितना फ्यूल कंजप्ट किया है, कितना माइलेज निकला है, ये मैं आपको बताता हूँ। भाई गुड मॉर्निंग सबको, और हरे भरे घास और पौधों के साथ सबको ना गुड मॉर्निंग। तो आज जो है ना, अपने थंबनेल में देख लिया होगा, देखो ऑटोमेटिक गाड़ी की ना माइलेज बहुत कम होती है, हर कोई बोलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें पता चल जाए कि ऑटोमेटिक गाड़ी जो होती है उसमें कितनी माइलेज आती है, कितना मतलब फ़र्क पड़ता है माइलेज का नॉर्मल मैनुअल या ऑटोमेटिक में। तो आज आपको वो भी पता चल जाएगा, तो मज़े आ जाएंगे, ठीक है। विद एसी करेंगे, एसी भी चला कर रखेंगे। और माइलेज टेस्ट में ना जो हम चलाएंगे ना, एक तो हाईवे पे भी चलाएंगे, प्लस हम लोग दिल्ली की सड़कों पे भी चलाएंगे, ट्रैफिक में चलाएंगे, और देखेंगे जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो कितनी माइलेज शो करता है चलने के बाद। तो आज माइलेज टेस्ट हो जाए रेनो ट्राइबर ऑटोमेटिक का, तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, मज़ा ही मज़ा, ठीक है, मिलते हैं। तो गाइस निकल पड़े हैं हम लोग अपनी मंजिल की तरफ, तो नहीं क्योंकि मंजिल तो पता ही नहीं कहाँ है, हम तो जा रहे हैं सीधा, ठीक है। माइलेज टेस्ट करेंगे और शीशा साफ़ कर देता हूँ, इससे ना आप लोगों को इजीली दिखेगा, साफ दिखेगा आई का रास्ता, बल्कि आप लोगों से ज़्यादा तो मुझे देखना चाहिए ना, क्योंकि चला तो मैं रहा हूँ, आप लोग तो बाद में भी देख लोगे, ठुकते हुए भी देख लोगे, ठीक है। मजाक कर रहा था, अभी ना इसका मीटर सेट करते हैं। और भाई मीटर ना मतलब ट्रिप लगा देता हूँ ताकि ईजी रहे, मतलब कितना टोटल चला ये भी पता चल जाएगा, हम जब लौट के आएंगे ना तो सारा कैलकुलेशन निकल जाएगा, साथ में मुझे भी आइडियाज पता चल जाएगा कितना जो है इसने कंज्यूम किया है पेट्रोल को, और इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बताएगा ना कि भाई कितना कंज्यूम हुआ है, क्या माइलेज दिए, तो वो सब ना भाई आके पता चलेगा। भाई रास्ते में ना माइलेज टेस्ट के साथ साथ गाड़ी में धक्का लगाने का टेस्ट भी ना हो जाए उससे पहले पेट्रोल भरा लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल तो है लेकिन फिर भी भाई क्या पता हाईवे पे ना मिले, है ना। तो गाइस आज देख लो ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, अब जो भी है मतलब टेस्ट तो करना ही है, देखो 20-30 ऐसी स्पीड में चल रही है, साथ में एसी भी ऑन है, कंटिन्यूसली ऑन रखेंगे, साफ आज पता चलने वाला ढंका वाला कि भाई कितनी माइलेज दे रही है एक ऑटोमेटिक गाड़ी, वो भी 7 सीटर, ठीक है। तो मज़ा आने वाला है, झेलते हैं ट्रैफिक को, मज़े करते हैं, ये भी अच्छा है कि ट्रैफिक है, एकदम रियल वाला माइलेज टेस्ट हो जाएगा, है ना।
तो वही यहाँ पे ना ट्रैफिक होता नहीं है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि बाइक वगैरह वाले वहीं देख रहे हैं, और उस तरफ है ना एक्सीडेंट हुआ है, अभी दिखाता हूँ। वो देखो भाई कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, लड़की नीचे बैठी हुई है और बहुत सारा खून भी बह रखा है, देख रहे हो भाई साहब बहुत ही खतरनाक हुआ है। तो बस यहाँ से ना यू टर्न ले लेंगे नीचे से, और मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, मतलब थोड़े ना कच्चे रस्ते हैं वहाँ पे, तो उधर भी चला के गाड़ी को ना थोड़ा टेस्ट कर लेंगे कि भैया वहाँ पे भी चलने से कुछ माइलेज में इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो भाई आ गए हम लोग इस कच्चे रस्ते पे, और यहाँ से रास्ता स्टार्ट है, देखो लाल सा पोल था ना, अब आगे तक जाएंगे देखेंगे मतलब कि कैसा है रास्ता आगे, कोई ऐसा तो नहीं मतलब कुछ ज़्यादा खतरनाक हो तो फिर मुड़ जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते में ना दो गाड़ी एक साथ तो चल नहीं सकती है, सिंगल वे ही है, देख लो रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो ऐसे ही है। और यहाँ पे ना सारे कच्चे रास्ते हैं, ये एक रास्ता जा रहा है बस सीधा, देखते हैं कहाँ तक जा रहा है, फिर है ना गाड़ी को मोड़ देंगे, देख लो अंदर कितना मतलब कच्ची कॉलोनी है, बिल्कुल कच्चा रास्ता है, तो आगे से ना क्योंकि यहाँ से मुड़ने की जगह नहीं है, बहुत पतली जगह है, बहुत नैरो है, तो आगे से ना घुमा के लेंगे जहाँ पे भी हमें मुड़ने के लिए जगह मिल जाएगी। देखो यहाँ 20-30 ऐसी स्पीड में चलेगी गाड़ी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला सकते ना, कहाँ खड्डे हैं। तो आगे है ना, आगे शायद मुझको लगता है कुछ कट मिल जाएगा मैं गाड़ी घुमाने के लिए, तो वो सही रहेगा क्योंकि अभी तक तो मुझे दिखा नहीं है, और जहाँ दिखा है ना वहाँ तो इतनी ज़्यादा ढलान है कि गाड़ी ऊपर ही बैक नहीं होगी। तो आगे से देखते हैं कोई रास्ता मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ये रास्ता पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा, और हम चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, मैं कितनी देर से चला रहा हूँ यहाँ पे, कोई कट नहीं, अभी तक तो कोई कट नहीं दिखा है, शायद आगे मिल जाए। तो भाई लो मिल गया भाई, लाल सा पोल है ना, अब इसके बाद देखो ये देखो चौराहे से आगे ना यहाँ से हम गाड़ी घुमा सकते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट में लेके ना फिर बैक कर लेंगे, और यहाँ से जो है अपनी गाड़ी जो है मस्त घूम जाएगी टेंशन फ्री। ये सही है, जगह चौड़ी है, नहीं तो कहीं तो जगह मिल ही नहीं रही थी अभी तक। तो ई डाल दिए हम रिवर्स गियर में, अब पराठा बनाएंगे स्टीयरिंग में बैठ के। इतनी पतली जगह है ना भाई, घूमने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। भाई गाड़ी तो घूम गई है, और यहाँ से यू टर्न इसलिए ले लिया है कि बहुत लंबा राउंड हो गया है, अब फिर से चलते हैं अपनी दिल्ली की तरफ, और फिर है ना पहुँच के भाई कैलकुलेशन करेंगे कि कितना माइलेज निकला है। लेकिन एक बात है, नोएडा में ना ये जगह जो है भाई दिल्ली से बहुत अलग है, ऐसा तो बिल्कुल गाँव वाला टाइप का फील आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। देखो सामने बिल्डिंग्स दिख रही है, एकदम सामने जो है ना भाई मॉल है, और यहाँ पे देखो क्या मस्त है, मतलब पॉल्यूशन से बिल्कुल फ्री हो आप, और आपको नेचर भी थोड़ा बहुत दिखता है, देखो पेड़ ही पेड़ हर जगह, ग्रीनरी भी दिखती है, तो मज़ा आता है। हाँ ठीक है रास्ते खराब है, लेकिन मज़ा आता है। तो भाई ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और साथ में ना भाई गाड़ी चल रही है 22-23, मतलब मैक्सिमम जो गाड़ी चली है अपना वो है 90-91, क्योंकि इतनी जगह मिली नहीं कि हम इसको 100 के पार ले जाए, और वैसे भी इसका टॉप स्पीड का जो वीडियो है ना वो तो अलग से ही आएगा। और अभी माइलेज देखो आप भाई, अभी ना एकदम से 16.212 ऐसा हो गया भाई साहब, देखो 14.2 10 11, भाई साहब कम ही हो रहा है, देख रहे हो 12 9 9 का माइलेज, भाई साहब कितना कम माइलेज दे रहा है ये इस टाइम एसी के साथ ट्रैफिक में, क्योंकि भाई अभी का जो टाइम है ना शाम हो गई है, सबके ऑफिस की छुट्टी हो गई, तो अब जो है ना भाई जाम मिलेगा ही मिलेगा,
हर जगह मिलेगा अब तो, मतलब गाड़ी जो है ना मेरे ख्याल से 60-70 के ऊपर शायद ही जा पाए। घर के पास आके ना जाम में फंस गए भाई, सारी गाड़ी ना खड़ी हुई है बहुत देर से। मैंने तो अब इग्निशन ऑन किया है ताकि गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट करना पड़े तो स्टार्ट हो जाए। वैसे बहुत देर से एक भी गाड़ी हिल नहीं रही है और भूख इतनी ज़्यादा लगी ना, सबसे पहले तो कुछ खाऊंगा रिजल्ट बताने से पहले। सही में भाई बहुत जाम है। A few inches later. तो भैया माइलेज की जो खुशखबरी है या दुख खबरी है उसको देने से पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि उसके बाद तो गाली भी खा सकते हैं ना इसीलिए। तो भैया वक्त आ गया गाड़ी की रिजल्ट का, मतलब आज ये फेल है या पास है तो गाड़ी जो है ना ये देखो भाई, ट्रिप ए में 111 किलोमीटर चली है। अब 111 किलोमीटर में ना इसने कितना फ्यूल कंजप किया है, कितना माइलेज निकला है ये मैं आपको बताता हूँ। इसने जो है देखो यूज़ किया है 8.7 लीटर फ्यूल इतने किलोमीटर्स ने। तो अभी इसका जो मेन माइलेज है ना वही पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसने माइलेज दिया है। तो ये देखो भाई 12.7 लीटर इसने माइलेज दिया है किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से 12 किलोमीटर की। तो इस हिसाब से ना एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, 7 सीटर है, तो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है क्योंकि छोटी सी छोटी गाड़ी भी आपको माइलेज इतनी देगी ट्रैफिक कंडीशन को देखते हुए। मतलब इतना ट्रैफिक था ना आज वो तो आपने देख ही लिया। तो गाइस इस वीडियो को ना लाइक कर देना, शेयर कर देना और हो सके तो कमेंट भी ज़रूर करना, और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं ना वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो गाइस फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ मज़े ही मज़े करते हुए।